हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। पंचायती राज विभाग बिहार की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट लेके आ चुका हूं एक न्यू वैकेंसी का। जी हां फ्रेंड्स, पंचायती राज विभाग में फिर से एक नई भर्ती आई हुई है जो कि अंकेक्षा यानी ऑडिटर पोस्ट के लिए भर्ती आई हुई है, जिसका आया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत पहले भी वीडियो बनाए थे, तो यहाँ पर आ चुका है फिर से एक नया अपडेट ऑडिटर का बहाली को लेकर कि कितनी बहाली होगी, कितने संख्या है और आपका 25 पंचायत पर एक अंकेक्षक की नियुक्ति होने वाली है। ये बिल्कुल आज का न्यू अपडेट है 15/8/19 का। बड़ी खुशखबरी है बिहार के राज्यों के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे और बहुत को इंतज़ार कर रहे थे कि सर ऑडिटर पोस्ट का वैकेंसी कब आएगा, तो यहाँ पर आ चुका है ऑफिशियल अपडेट ऑडिटर पोस्ट के लिए। और साथ में हम बताएंगे आप लोगों को कि जो प्रक्रिया चल रही है पंचायती राज विभाग में IT असिस्टेंट और तकनीकी सहायक का, उसके लिए भी यहाँ पर आया है अपडेट कि अभी तक कितने लोगों की बहाली हो गई है और कितना कितना अभी तक रुका हुआ है, सब कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो को देखिए लास्ट तक, इसमें जो है पंचायती राज विभाग का पूरा अपडेट आपको हम देने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और आप चाहते हैं कि जॉब्स के अपडेट या इस तरह का अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको अंकेक्षक भर्ती का जो आया है नया ऑफिशियल अपडेट। तो फ्रेंड्स ये रहा अपडेट जो कि आज के पेपर में आया हुआ है। देखिए हेडिंग में है कि 700 पंचायत सरकार भवनों को मिली जमीन और नियुक्त होंगे 350 ऑडिटर। ठीक है, चलिए अब इसका दिखाते हैं पूरा अपडेट। हर घर नल के जलापूर्ति पाइप की गहराई तक मीटर आवश्यक और 13,000 पदों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया। राज्य में निर्मित होने वाले 1435 पंचायत सरकार भवनों में से 700 के लिए जमीन उपलब्ध हो गई है। शेष अन्य पंचायतों में एक पखवाड़े में जमीन की पहचान हो जाएगी और नए पंचायत सरकार भवनों का निर्माण मुखिया के माध्यम से कराया जाना है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 अक्टूबर को नए पंचायत सरकार भवनों की एक साथ आधारशिला रखेंगे और प्रत्येक 25 पंचायतों पर एक ऑडिटर की नियुक्ति होगी। यहाँ पर आया अपडेट कि 25 पंचायतों पर एक ऑडिटर की नियुक्ति होगी और इसके लिए पंचायती राज विभाग करीब 350 ऑडिटरों की नियुक्ति जो करेगा वो नियमित नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर कन्फर्म हो जाइए, ये जो नियुक्ति होने वाली है 350 पोस्ट पर, ये बिल्कुल अस्थाई है, परमानेंट है। ठीक है, ये कोई भी संविदा पर या कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं है। ठीक है, और पंचायतों के कामकाज को कारगर बनाने के लिए करीब 13,000 पदों पर जो है नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें जो IT सहायक के 296 पद और तकनीकी सहायक के 296 पद शामिल हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है काउंसलिंग भी हो चुका है, ड्राफ्ट लिस्ट भी बहुत सारे जिलों में आ चुका है, बहुत सारे जिलों में जो इसकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है और बहुत सारे जिलों में अभी तक बाकी है। और कार्यपालक सहायक के 8300 पदों पर भी नियुक्ति होगी। पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत और प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है और जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार जो है प्रति माह हर वार्ड को 1,000 का अनुदान देगी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा अपडेट दिया गया है पंचायती राज विभाग के अंतर्गत, तो वो सब आपकी जानकारी के लिए नहीं है। चलिए आप दिखाते हैं बहाली का अपडेट आपको। पंचायतों के ऑडिट के लिए अंकेक्षण सेवा का होगा गठन। प्रधान सचिव ने बताया कि पंचायत समिति और जिला परिषदों के वित्तीय प्रबंधन को व्यवस्थित कराने के लिए अंकेक्षण सेवा यानी ऑडिट सर्विस का गठन किया जा रहा है और ऑडिटरों की नियुक्ति आयोग से प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लगभग जो आया अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अंकेक्षक की बहाली होगी वो आयोग बहाली करेगा, जिसका कि आपको प्रतियोगिता एग्जाम लिया जाएगा उसके माध्यम से। और पंचायतों में 4 पंचायतों पर एक लेखापाल सह IT सहायक की नियुक्ति की जा रही है, जैसा कि पहले बहाली आया था और आप लोगों ने फॉर्म भी भरा होगा, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया भी चल रही है। और इनमें जो है 600 की नियुक्ति पूरी की जा चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा आप लोग को मिल चुका है कि जो लेखापाल सह IT सहायक के लिए अभी तक कुल जो है 600 लेखापाल का नियुक्ति किया जा चुका है और जो है अभी उसका अभी किया जाना बाकी है।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स यही आप लोग को अपडेट देना था कि ऑडिटर का 350 पोस्ट के लिए जल्द बहाली आने वाला है, क्योंकि इसका तैयारी शुरू हो चुका है, विभाग जो है इसकी तैयारी के लिए रेस हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग को यही अपडेट देना था। और इसके रिगार्डिंग में आप लोग चाहते हैं कि कोई भी अपडेट आए और आपको सबसे पहले मिले नोटिफिकेशन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।